रमना थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घटी लगातार चोरी की घटनाओं पर से पर्दा उठाने में रमना थाना पुलिस सफल रही। सोमवार का अपराह्न थाना परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर रमना थाना पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी व जब्त सामानों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में शामिल पुलिस निरीक्षक स्वर्णलता कुजूर ने बताया कि रविवार की रात्रि रमना में एक फल दुकान में चोरी का प्रयास करते 2 युवकों को गश्ती दल के द्वारा पकड़ा गया था, जिसकी पहचान रमना के सोनू कुमार रवि तथा विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ बिहार निवासी शनि कुमार की गई। पूछताछ के क्रम में दोनों ने मार्च 2023 में रमना के स्वर्ण वाटिका जेवर दुकान में भी अपने सहयोगियों के साथ चोरी की घटना को स्वीकार किया। सोनू और शनि की निशानदेही पर छापेमारी दल में शामिल थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा, पुलिस अपर निरीक्षक विवेक पंडित, वीरेंद्र कुमार व रमना थाना पुलिस के जवानों ने घटना में शामिल रमाकांत कुमार ठाकुर रमना के टंडवा अजूबा राज तथा कुंजू कुमार रमना के परसवान निवासी को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर चांदी का 2 जोड़ा कनबाली, चांदी का पायल 1 जोड़ा, चांदी का बिछिया 1 जोड़ा, चांदी का 3 का समूह में 1 जोड़ा बिछिया तथा 4 मोबाइल फोन बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार के अपराह्न न्यायिक हिरासत में श्री बंशीधर नगर भेज दिया गया है। अनुमंडल ब्यूरो राहुल वर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 25-26 मार्च 2023 की रात्रि रमना बाजार स्थित स्वर्ण वाटिका ज्वेलरी शॉप और बर्तन दुकान जो है वहाँ अज्ञात चोरों के द्वारा सोने चांदी के ज्वेलरी और अन्य सामानों की चोरी कर ली गई थी छेनमारी करके। इस संबंध में अनिल कुमार सोनी के लिखित बयान पर रमना थाना कांड संख्या 29-23 दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान कार्य किया जा रहा था, जिसमें तकनीकी बिंदुओं और सूचना संकलन करते हुए इस पे अनुसंधान कार्य लगातार जारी था। और इसी क्रम में रात्रि करीब 2 लोगों को रमना बाजार स्थित अमित फल दुकान में 2 लोगों को चोरी के प्रयास करते हुए गश्ती दल के द्वारा पकड़ा गया। और जब उनको थाना में लाकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ज्वेलरी शॉप में जो चोरी की घटना हुई है उसके बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनकी निशानदेही पे उनकी ये पे उस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों को उनकी निशानदेही पे गिरफ्तार किया गया। सभी ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उसी के आधार पर 2 लोगों के पास जो है इसमें चोरी किए गए सामानों की बरामदगी भी हुई है। राधा स्वामी संगठन को गढ़वा एवं पलामू जिले के सभी पंचायतों में एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय है नवादा मोड़ माँ गायत्री हॉस्पिटल के बगल में कचहरी रोड गढ़वा। चुने गए लोगों को कार्य अनुसार मानदेय पर रखा जाएगा।